उधमपुर में एक दिवसीय गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएपीडी मंत्री चौधरी जुल्फिकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित गुज्जर नेताओं द्वारा मंत्री के सामने अपनी परेशानियों के बारे में बताया गया। गुज्जरों ने बताया कि उनके क्षेत्र में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लोगों को उनके अधिकारों को पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए चौधरी जुल्फिकार ने कहा कि उनकी सरकार व केंद्र सरकार मिलकर शेड्यूल ट्राइब लोगों के विकास के लिए नई योजनाएं बनाएंगी। चिन्हित कर रहे हैं इशारा बशाना जानी माली कुर्बानी दे के मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार है। इस कौम ने हिंदुस्तान का पश्चिम अपने सीने से लड़ा, तो मैं समझता हूं कि आपके विभाग आपका डिपार्टमेंट से बात कही मूर्ति में बात करता हूं। यहां के अली साहब हारून साहब कहते हैं गवर्नमेंट का एक फोकस है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, हम समाज के तमाम सब तबकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और हमारी गवर्नमेंट का ये एक मेन फोकस ये है कि जो लोग समाज में दबे कुचले और पसमानदा तबका के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर, उनके जो बेसिक इशूज हैं उनको एड्रेस किया जाए, उन तक पहुँचा जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। तो इस सिलसिला में हमने ये स्टेट वाइड कंपेन स्टार्ट किया है, हमने सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी किया, जम्मू में भी किया, यहाँ उधमपुर में आए हैं। और ये एक ऐसा तबका है सियासत जो बहुत एक्सपीरियंस तबका है जिसने हिंदुस्तान की वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। अनआर्म्ड आर्मी ऑफ इंडिया अगर हम इनको गलत नहीं होगा, इन्होंने बॉर्डरों में इस देश का दिफा किया है, जहाँ फोर्सेज जो है हमारी दिफा करती है उनके साथ साथ इन लोगों को दिफा किया है। ये लोग जो है हर मैदान में इनका जो है।